Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share with you get ready with me for making reels. So main guys firstly iPhone se meri first reel bana rahi hu aaj. So mujhe isse video banana hi tha to chaliye फटाफट se ready hote hain. So main first transition banane wali hu ye reel matlab iPhone ki first reel se. So I am very excited and mere transition mein jo mera first tha normal kapdon mein wo to maine kar liya hai. Ab just transition hoke jo मुझे तैयार होना है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट दैट हाउ आई एम मेकिंग माई ट्रांजिशन रील्स इन आईफोन सो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी. सो ना फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं फिर हमने ट्रांजिशन रील बनाएंगे. एंड लास्ट वीडियो के एंड में मैं अपनी रील्स बताऊंगी. सो प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड. सो नाउ लेट्स गेट रेडी. सो गाइज मैंने अपने हेयर को कर लिया पीछे टाइप ताकि यू नो मेकअप करते हुए डिस्टर्ब ना हो. तो एंड नाउ आई एम हैविंग ओवर हेयर माई पाउच. तो अभी मुझे फटाफट से एकदम न्यूड मेकअप लुक करना है. सिंपल सा ज़्यादा कुछ हैवी मेकअप नहीं करना एकदम सिंपल करना है. तो फटाफट से कर लेते हैं. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. नाउ फर्स्टली वी विल यूज़ दिस फेस ब्यूटी का कंसीलर. मैंने अपने वैलेंटाइन स्पेशल लुक में भी यही यूज़ किया था एंड उसमें अपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. थैंक यू सो मच गाइज. नाउ आई विल ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर ओनली. तो गाइज नाउ आई एम डन विथ माई कंसीलर. अब फटाफट से इसे सेट करने के लिए आई एम यूजिंग माई हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर. तो गाइज आई एम डन विथ माई कंसीलर. तो फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस फिटमी का फाउंडेशन गाइज. तो फटाफट से ये यूज कर लेते हैं. इतनी क्वांटिटी इनफ है कि ज्यादा हैवी मेकअप लुक हमें करना नहीं है. Now I will blend my foundation with the help of this beauty blender. So guys, now I'm done with my foundation too. हमारा base makeup हो चुका है and now we have to do eye shadow. तो एकदम lightly मैं eye shadow करने वाली हूँ. So for eye shadow I'm using this my new nude की eye shadow palette. तो इसके लिए मैं इसमें शेड यूज करने वाली हूँ ये टेडी वाला शेड दिस वन शेड बिकॉज ये क्या एकदम न्यूड है और लाइट शेड है. सो आई एम अप्लाई आई विल अप्लाई दिस विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स. तो या गाइज आई हैव डन विथ माई आई शेडो टू. आपको नहीं दिख रही होगी कैमरा बिकॉज मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल लाइट करने वाली हूँ. एकदम न्यूड शेड किया है. आई होप आपको दिख रहा होगा. तो हो चुका है हमारा आई शेडो. अभी जस्ट ये टेडी वाले शेड से ही मैं अपना ब्लश लगाने वाली हूँ क्योंकि वी वॉन्ट जस्ट लाइट मेकअप. तो गाइज आई एम डन विथ माई ब्लश टू. आपको दिख रहा होगा मैंने ब्लश एकदम अच्छी तरह से कर दिया है लुक. ब्लश को मैंने थोड़ा सा हैवी रखा है क्योंकि यू नो ब्लश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. जब मैं नॉर्मली कहाँ बाहर जाती हूँ तो मैं लिपस्टिक से ब्लश तो लाइटली लगा ही लेती हूँ क्योंकि ब्लश से बहुत अच्छा लुक आता है. सो आई एम डन विथ माई ब्लश टू. एंड नाउ अभी हमें लगानी है लिपस्टिक. सो फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस शुगर की पॉप लिक्विड लिपस्टिक. तो ये एकदम न्यूड शेड में मैं एकदम लाइटली लगाने वाली हूँ. तो गाइज मैंने वो कैंसिल कर दी है बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा ही डार्क हो रही थी इसलिए मैंने जस्ट थोड़ी सी लाइट लगाई है उसमें भी मुझे मतलब ठीक नहीं लगी. सो आई एम यूजिंग दिस क्रेयॉन की लिपस्टिक.
ये है लैक यू ब्यूटी की मैट विविड लिपस्टिक एंड वो भी ये शेड सेम है बट यू नो ये क्रेयॉन लिपस्टिक है सो मैं इसको अपने हिसाब से लगा पाऊंगी सो आई एम यूजिंग दिस वन. तो गाइज मेरा मेकअप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है. नाउ जस्ट थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में जस्ट मैं नोज के यहाँ पे हाईलाइटर लगाऊंगी बस और यहाँ पे चिक्स पे नहीं लगाने वाली जस्ट वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट होने के लिए तो मैं वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा हाईलाइटर लगा. तो गाइज नाउ आई एम फाइनली डन विथ माई मेकअप एंड मैं अपनी आई लाइनर तो मैं लगाने वाली हूँ नहीं क्योंकि मुझे ये मेकअप एकदम सिंपल रखना है. मुझे वैसे आई लाइनर ज़्यादा पसंद भी नहीं है लगाना तो मैं जस्ट ऐसा ही अपना मेकअप रखने वाली हूँ. कैसे लग रहे कमेंट बताना. सो रेडी होने के बाद मैं कुछ ब्यूटी शॉट्स भी दूंगी. सो फटाफट से रेडी हो जाते हैं. मेकअप तो हमारा डन हो चुका है सो फटाफट से रेडी हो जाते हैं. सो गाइज आर मेकअप इज डन. तो अभी हमें ब्रांड न्यू ड्रेस सो कॉस्ट्यूम मैंने ये वाली डिसाइड की है कुर्ती सेट. ये मेरे मम्मा का है जो मुझे थोड़ा सा आई थिंक लूज हो सकता है तो मुझे क्लिप से पीछे बांधना पड़ेगा बिकॉज रील से बनानी है मैं बाहर तो जाना है नहीं. तो ये काफी अच्छे शेड में है लाइट लाइट शेड्स है इसमें लाइट पिंक लाइट ब्लू लाइट येलो तो ये वाला मैं पहनने वाली हूँ. सो लेट मी शो यू गाइस. सो गाइस दिस इज द कुर्ता नाउ लेट्स वेयर इट. गाइस आई वाज रॉन्ग कि मुझे लगा कि कुर्ती मुझे लूज आने वाली बट बिल्कुल भी लूज नहीं आई है. आप देख सकते हैं एकदम टाइट फिट सारे ये देख सकते हैं स्लीव्स भी एकदम टाइट फिट हो रही है मुझे मम्मी की मतलब मुझे मेरे मम्मा के क्लोथ भी आ सकते हैं. तो लुक मैंने पीछे क्लिप भी नहीं लगाई है एंड लुकिंग वेरी नाइस. मैं बहुत हैप्पी हूँ इस कुर्ती से एंड नाउ फटाफट से इसका पजामा वेयर करते हैं. तो इसका पजामा है कुछ एक ब्लू इन कलर का नाइट ब्लू शेड में सो ये भी फटाफट से पहन लेते हैं. तो गाइस मुझे पजामा थोड़ा सा लूज है यहाँ से एंड बट लुक तो बहुत मस्त आ रहा है मुझे कमेंट बताना. एंड इसका दुपट्टा है लेट मी शो यू. सो ये है इसका कुछ दुपट्टा गोल्डन इन कलर में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों का एंड दिस इज हाउ लुक्स लाइक. नाउ आई एम रेडी. सो मैं कुछ आपको ब्यूटी शेड्स बता देती हूँ एंड या गाइज दैट सेट फॉर डेज वीडियो. कैसा लगा मेरे ब्यूटी शॉर्ट्स एंड मेरा ये लुक पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना. सो नाउ इट्स टाइम टू मेक रील्स. तो गाइज अब आपको रील्स से बता दूंगी मैं कि मैंने रील्स कैसी बनाई थी सो आपको लास्ट में देखने मिल जाएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.